आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया। वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंट बेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लेप्ट, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अब शासन चला सके, इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया था।